हे सुपर आर्मी, वेलकम बैक टू सुपर डुपर हिंदी। एश वर्सेस फ्लिंट इन्फर्नेट के बाद अगर सबसे ज्यादा कमेंट थे तो वो थे ड्रैगनोइड के ऊपर, और ड्रैगनोइड के ऊपर मेरा भी वीडियो बनाने का मन था। तो वेल, तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है हुज ड्रैगनोइड इज बेस्ट, लैंस और ड्रेक। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने एश वर्सेस फ्लिंट इन्फर्नेट की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग इस वीडियो के बाद वो वाली वीडियो देख सकते हो आई बटन पे क्लिक करके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के इस पोकेमोन के अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लैंस के ड्रैगनोइड के बारे में। ड्रैगनोइड लैंस का मेन पोकेमोन है मांगा एनिमे एंड गेम्स में। उसके ड्रैगनोइड का सबसे पहला अपीयरेंस हुआ था द लेजेंड्स ऑफ थंडर में, एंड वो एनिमे में टॉकन बाउट एंड एवोल्यूशन एंड रेज ऑफ इनोसेंस में अपीयर हुआ था, जहां वो एश एंड उसके फ्रेंड्स को टाइसन के फ्यूरो से प्रोटेक्ट करता है थंडर वेव यूज करके। उस एपिसोड में जब टीम रॉकेट का इवोल्यूशन रे मैजिक कार को शाइनी गैराडॉस में इवॉल्व कर देता है, तब वो गैराडॉस अपने आप पे से कंट्रोल खो देता है और सब तरफ हाइपर बीम यूज करके डिस्ट्रक्शन करने लगता है। तब लैंस एंड ड्रैगनोइड उस गैराडॉस को रोकते हैं और एंड में लैंस उस गैराडॉस को पकड़ भी लेता है। उसके बाद हमें ड्रैगनोइड एडवांस जनरेशन सीरीज में दिखता है, जहां वो टीम रॉकेट एंड टीम एक्वा से बैटल करता है। वो एश एंड उसके फ्रेंड्स को कायोग्रे एंड ग्राउडोन से प्रोटेक्ट भी करता है, और वो ग्राउडोन के साथ मिलकर कायोग्रे के साथ बैटल करता है, उसे रोकता भी है। अब बात करते हैं ड्रेक के ड्रैगनोइड के बारे में। ड्रेक ऑरेंज आइलैंड का सुपर जिम लीडर है। आप इसे ऑरेंज आइलैंड का चैंपियन भी मान सकते हो, जैसे कि लैंस कैंटो रीजन का चैंपियन है। ड्रेक का सबसे बेस्ट पोकेमोन है ड्रैगनोइड, जिसमें ड्रेक सबसे ज्यादा भरोसा करता है। ड्रैगनोइड का फर्स्ट अपीयरेंस हेलोपा मेलो में हुआ था, जब टीम रॉकेट ड्रैगनोइड को चलाने की कोशिश करती है और ड्रेक का ड्रैगनोइड इजीली टीम रॉकेट को हाइपर बीम यूज करके भगा देता है। ऑरेंज आइलैंड में जब एश चारों ऑरेंज आइलैंड बैजेस जीत लेता है और जब वो ड्रेक से बैटल करने के लिए आता है, तब एंड में ड्रेक का ड्रैगनोइड एश के अकेले ही तीन पोकेमोन्स को डिफीट कर देता है, जिसमें कि चारिज़ार्ड, स्क्वर्टल एंड टॉरस आते हैं। और तीन पोकेमोन्स को हराने के बाद भी ड्रैगनोइड बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लगता, और जब दोबारा से टीम रॉकेट ड्रैगनोइड को पकड़ने के लिए आती है तब दोबारा से ड्रैगनोइड टीम रॉकेट को भगा देता है। लेकिन उस बैटल के एंड में किसी तरह एश एंड पिकाचू मैनेज कर ड्रेक के ड्रैगनोइड को हरा देते हैं और वो ऑरेंज आइलैंड के विनर बन जाते हैं। वेल, तो आप सबसे पहले पॉइंट स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी की बात करते हैं। लैंस के ड्रैगनोइड की बात करें तो वो सच में एक ताकतवर पोकेमोन है। लैंस का वो एक मेन पोकेमोन है तो उसको ताकतवर होना ही था। ड्रैगनोइड ने शाइनी गैराडॉस एंड कायोग्रे से फाइट की है। लैंस एक पोकेमोन चैंपियन है और इसके पीछे हाथ है ड्रैगनोइड का, क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग पोकेमोन नहीं होता तो लैंस पोकेमोन चैंपियन नहीं बन पाता और वो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स को नहीं हरा पाता। और वहीं अगर ड्रेक के ड्रैगनोइड की बात करें तो ड्रेक का ड्रैगनोइड भी एक बहुत ताकतवर पोकेमोन है, और वो भी ड्रेक का एक मेन पोकेमोन है। ड्रेक ऑरेंज आइलैंड का सुपर जिम लीडर बना क्योंकि उसका ड्रैगनोइड ताकतवर था। जब उसकी बैटल एश कैचम से होती है तब ड्रेक का अकेला ड्रैगनोइड उसके तीन पोकेमोन्स को डिफीट कर देता है, जिसमें से चारिज़ार्ड, टॉरस एंड स्क्वर्टल होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने वाली ये है कि एश का पिकाचू एंड में ड्रैगनोइड को डिफीट कर देता है। भले ही ड्रैगनोइड पिकाचू से पहले तीन बैटल कर चुका था, लेकिन उस टाइम ड्रैगनोइड बिल्कुल भी नहीं थका हुआ था। ड्रैगनोइड पिकाचू के ऊपर हाइपर बीम यूज करता है, लेकिन पिकाचू उसके हाइपर बीम से इजिली डॉच कर देता है और एंड में पिकाचू ड्रैगनोइड को हरा देता है। तो मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी का पॉइंट जाता है लैंस के ड्रैगनोइड के पास, क्योंकि हमने एक भी एपिसोड में ऐसा नहीं देखा कि लैंस का ड्रैगनोइड कहीं भी वीक हुआ हो या फिर कहीं भी डिफीट हुआ हो। वेल, तो अब सेकंड पॉइंट मूव सेट की बात करते हैं। तो ड्रेक के ड्रैगनोइड को आते हैं हाइपर बीम, वाटर गन, आइस बीम, स्लैम, ड्रैगन रेज, थंडरबोल्ट, बॉडी स्लैम, स्कल बैश, एजिलिटी एंड थंडर। और वहीं पर लैंस के ड्रैगनोइड को आते हैं थंडर वेव, वर्ल्ड विंड, ट्विस्टर, हाइपर बीम, विंड अटैक एंड ड्रैगन क्लॉ। तो ये देख के साफ साफ पता चल जाता है किसका ड्रैगनोइड बेस्ट है मूव सेट के मामले में। तो मूव सेट का पॉइंट जाता है ड्रेक के ड्रैगनोइड के पास, क्योंकि उसके पास सुपर इफेक्टिव मूव्स ज्यादा है लैंस के ड्रैगनोइड के मुकाबले। वेल, तो अब लास्ट पॉइंट एक्सपीरियंस की बात करते हैं। ड्रेक एंड लैंस दोनों ही चैंपियन हैं। एक कैंटो रीजन का चैंपियन है और एक ऑरेंज आइलैंड का चैंपियन है, और वैसे ही उनके मेन पोकेमोन ड्रैगनोइड है जो काफी ताकतवर पोकेमोन है।
वेल तो दोनों की ही पोकेमोन ड्रैगनॉइड की एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही ड्रैगनॉइड को एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ड्रेक का जो ड्रैगनॉइड है उसके पास काफी ज्यादा मूव्स हैं यूज करने के लिए, और ये इतने सारे मूव्स कम टाइम में लर्न नहीं किए जा सकते। इन सब मूव्स को लर्न करने के लिए काफी ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है बैटलिंग का। और वही अगर हम लैंस के ड्रैगनॉइड की बात करें तो उसके पास मूव्स तो कम है, लेकिन ऑरेंज आइलैंड से पहले कैंटो रीजन बना था और सबसे पहले लैंस कैंटो रीजन का चैंपियन बना, तो इसके अकॉर्डिंग लैंस का जो ड्रैगनॉइड है उसके पास भी काफी एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके पास मूव्स कम है। लेकिन मूव्स कम होने का मतलब ये नहीं है कि उसका ड्रैगनॉइड स्ट्रांग नहीं है, लैंस का ड्रैगनॉइड भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो मेरे अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस का पॉइंट दोनों के ड्रैगनॉइड के बीच में टाई होता है, क्योंकि दोनों ही ड्रैगनॉइड ने प्रूव किया है कि वो काफी एक्सपीरियंस वाले पोकेमोन है। वेल तो ओवरऑल देखे तो लैंस एंड ड्रेक के ड्रैगनॉइड के पास एक एक पॉइंट जाता है और यहाँ पर टाई हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर कोई एक बेस्ट पोकेमॉन चूज करना है और हम यहाँ पर अपना सुपर हथियार यूज करने वाले हैं जिसका नाम है सब्सक्राइबर्स वोट। अब सब्सक्राइबर्स वोट ये तय करेगा कि किसका ड्रैगनॉइड बेस्ट है। सब्सक्राइबर वोट्स के अकॉर्डिंग लैंस का ड्रैगनॉइड बेस्ट है, तो इसी तरह लैंस के ड्रैगनॉइड के पास होते हैं 2 पॉइंट्स और हुज ड्रैगनॉइड इज बेस्ट का विनर होता है लैंस का ड्रैगनॉइड। वेल तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी वीडियो और भी चाहते हो तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किया बगैर कहीं मत जाना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। सो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। Tikka 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 tik